लॉकडाउन के दूसरे चरण में शनिवार को महेवा मंडी में आलू और प्याज के थोक दामों में भारी गिरावट आई है, जिसके तहत लाल आलू का दाम 1800 रुपये प्रति क्विंटल और सफ़ेद आलू का दाम 1600 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज का दाम 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर के प्याज का दाम 1200 रुपये क्विंटल देखने को मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आढ़ती निक्की निगम इमरान ब्रह्मानंद मकसूद हसन हाजी सिराज अहमद मेहताब आलम ने कहा, बिक्की निगम आलू और प्याज लॉकडाउन के दौरान आलू प्याज के रेटों में काफ़ी गिरावट आई है। बिक्री न होने के कारण प्याज का रेट आज सरकारी रेट से भी कम पे बिक रहा है। प्याज शाहजहांपुर की बिक रही है 12 रुपये किलो, नासिक का 13 रुपये किलो, 14 रुपये किलो। लाल आलू है, लाल आलू 18 रुपये किलो बिक रही है, 75 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, जैसा आलू वैसा भाव। मेरा इमरान, प्याज 12 रुपये किलो। कौन सा प्याज? कोई भी आप ले लीजिए, मंडी में क्वालिटी की बात है। 12 रुपये, 11 रुपये, जैसी प्याज वैसा रेट। नासिक 15, नासिक आपका 13 रुपये। बंगाल वाली? बंगाल वाली तो 10 रुपये किलो की भी आप मिल जाएंगे, वो प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जी, मेरा नाम मकसूद हसन है। गिरावट तो बहुत आ गया है। अब जो प्याज जो है, लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त प्याज जो है थोक में 24 रुपये 25 रुपये किलो ये चल रहा था, लेकिन इस वक्त जो है नासिक का प्याज जो है 15 रुपये किलो और बंगाल की प्याज 12 रुपये किलो यहाँ पे मंडी में चल रही है। शाहजहाँपुर भी वही सब रेट है, 14 रुपया, 15 रुपया, 13 रुपया। आलू कैसे चल रहा है यहाँ? लाल आलू यहाँ पे बिक रहा है 1750-1800 रुपये क्विंटल चल रहा है। सफ़ेद 1600 रुपये क्विंटल चल रहा है। बिक्री नहीं है, इसकी बिक्री बहुत कम हो गई है। पहले से जो है बहुत करीब 75% बिक्री कम हो गया है, इसकी वजह से जो है माल बहुत कम बिक रहा है। ब्रह्मानंद, आलू का रेट जो है लॉकडाउन से पहले अच्छा बिक रहा था, 18 रुपया 20 रुपया से ऊपर भी चल रहा था रेट, लेकिन इस समय जो है 17 रुपये के आसपास जो है लाल चल रहा है और 16 रुपये के आसपास जो है सफ़ेद चल रहा है। नासिक वाली प्याज जो है यहाँ समय चल रही है 13 रुपये। बंगाल चल रही 12 रुपये। शाहजहाँपुर जो है 12 रुपये वो भी चल रहा है शाहजहाँपुर। मेरा नाम हाजी सिराज अहमद, फर्म जनता आलू कंपनी। इस समय तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, पहले से लगभग जो है 10 से 12 रुपये का डिफरेंस आ गया है। पहले लॉकडाउन से पहले लगभग 23-24 का रेट था ये बंगाल नासिक और शाहजहाँपुर का, और इस टाइम तो सीधे समझ लीजिए 10, 12 और 13 तीन रेट में जो है तीनों जगह की प्याजें बिक रही है। लाल आलू तो यहाँ पे 17-18 की पोजीशन है, और ये क्या कहते हैं सफ़ेद का भी जो है 16-17 की पोजीशन है। शाहजहाँपुर की प्याज जो है यहाँ पे 10 रुपये से लेकर के आपको 13 रुपये तक मिल जाएगी। नासिक भी सेम रेट, क्वालिटी बेस। बंगाल तो आपको 10 से 12 के रेंज में मिल जाएगी, लेकिन 10 से 11 ही मान के चलिए उसको, बहुत फ़र्क आ गया पहले से। इस समय क्या है माल? तो गोरखपुर मंडी महेवा मंडी में जो है बहुत ज़्यादा है, बिक्री है नहीं, क्योंकि मीट मछली वगैरह सब बंद है, उसकी वजह से प्याज की सेल है नहीं। आमदनी बहुत है, और आने वाले वक्त में अगर यही रहा तो प्याज के व्यापारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। हमारा नाम मेहताब आलम। स्थिति ये है कि 18 से 19 रुपए का लाल आलू बिका हुआ है। सफ़ेद आलू बिका हुआ है 16 रुपए का। नासिक प्याज बिकी हुई है आपकी 13 रुपए की। बंगाल वाली? और बंगाल की प्याज आपको 1200 की बिकी है। शाहजहाँपुर की प्याज 1300 की। इस समय मार्केट में स्थिति नॉर्मल है, क्योंकि आलू प्याज हर घर घर पहुंच रहा है, ठेला भी बहुत पहुंच रहा है, हर जगह
पूरे शहर में कहीं कमी नहीं है आलू प्याज की। एक एक गली में जाइएगा तो लाइन से ठेला लगा हुआ है, आलू प्याज की कहीं कमी ही नहीं है। मंडी में स्थिति क्या है? मंडी की भी स्थिति अब सब कुछ सही है, हम सभी कोई दिक्कत नहीं है।